हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आपका स्वागत है आदर इंग्लिश क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने कल एक रूल पढ़ाया था, तो फिर एक नए रूल के साथ मैं आया हूँ जिसका रूल है गेट ऑब्जेक्ट वर्ब 3। ठीक है, तो कल मैंने एक रूल बताया था जिसमें कर का यूज़ हुआ था, खाकर पीकर। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें। ठीक है, बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बना दिया आपकी आसानी के लिए, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैं कल बाल कटवाने जाऊंगा। देखिए, ये जो रूल है इसका सेंस क्या है, कोई ऐसा काम जो आप खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि आप किसी से करवा रहे हैं। ठीक है, कोई वैसा काम जैसे बाल कटवाना, आप बाल कटवाने जाइएगा, रिचार्ज करवाने आप जाइएगा, कुछ ऐसा काम जो आप करवा रहे हैं खुद नहीं कर रहे हैं, तो उस सेंस में ये रूल का यूज होता है गेट ऑब्जेक्ट वर्ब 3। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि टेंस तो आपका मजबूत होना ही चाहिए, क्योंकि टेंस होगा तभी आप नया नया रूल इम्प्लीमेंट कर पाइएगा। तो जैसा कि ये है रूल है, यहाँ पे देखिए जाऊंगा फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। तो अगर टेंस आप लोगों को नहीं आ रहा है, अगर टेंस पे आप वीडियो चाहते हैं तो मैं टेंस पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं कल बाल कटवाने जाऊंगा, तो जाऊंगा मैं कल जाऊंगा, तो आई विल गो, ये तो आपको पता है। आई विल गो टू, ये आपको पता है कि मैं फ्यूचर का टेंस यूज किया, फ्यूचर में विल और शैल लगता है। ठीक है, आई विल गो टू, अब ये रूल को इम्प्लीमेंट कर देंगे गेट ऑब्जेक्ट वर्ब 3। किस लिए भाई? बाल कटवाने चाहिए, तो टू गेट हेयर कट। यहाँ पे देखिए गेट ऑब्जेक्ट इज हेयर एंड वर्ब 3 इज कट। कट का तीनों फॉर्म कट 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 होता है, एंड टुमारो फ्यूचर सेंस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो आई विल गो टू गेट हेयर कट टुमारो। ठीक है, सेकंड उसी के साथ मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये मैं मोबाइल रिचार्ज करवाने जा रहा हूँ, तो मोबाइल रिचार्ज से बात आप रिचार्ज करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं आप इसलिए, क्योंकि आप करवाने जा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे आप करवाने जा रहे हैं, तो आपको इसलिए इसको यूज कर सकते हैं इस रूल को गेट ऑब्जेक्ट वर्ब 3। अगर इस रूल को आप अच्छे से याद कर लेते हैं और अगर आपका टेंस मजबूत है तो आप इजली आराम से एकदम उसको इम्प्लीमेंट करके इंग्लिश में आप बोल पाइए। सो सबसे मजबूत आपको टेंस करना पड़ेगा, उसके बाद नया नया रूल मैं लाऊंगा, रोज नया रूल आ जाएगा, रोज का सेंस मतलब हफ्ता में 3 दिन या 2 दिन आपको वीडियो मिल जाएगी हमारी। ठीक है, कभी कभी 4 दिन भी अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं मोबाइल रिचार्ज करवाने जा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है जिसको मैं बना देना चाहता हूँ, तो आई एम गोइंग टू, ये तो आपको पता है जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन टेंस आपको मजबूत थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, और गेट मोबाइल रिचार्ज, तो गेट हो गया गेट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया मोबाइल, एंड वर्ब 3 इज रिचार्ज, रिचार्ज का रिचार्ज हो गया। तो इस तरह से आप गेट ऑब्जेक्ट वर्ब 3 को यूज करके इजली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो की समाप्ति करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।